हाय एवरीवन, गुड आफ्टरनून। टाइम हो रहा है 3:30 के आसपास का और मेरा आज भी फास्ट है। जैसे कि मैंने आपको कल भी बताया था कि मैं 2 दिन फास्ट रखती हूँ, मंडे और ट्यूसडे दो दिन। और बस अभी जैसे कि हम न्यूज़ सुनते हैं कि फलाने लड़के ने लड़की के साथ ऐसा कर दिया या कुछ गलत कर दिया, या फिर हस्बैंड ने वाइफ के साथ ऐसा कर दिया, या फिर बहू ने सास के साथ ऐसा कर दिया, सास ने बहू के साथ ऐसा कर दिया, तो हमारे मन में एक ही चीज़ आती है कि नहीं, सभी लड़के एक जैसे होते हैं, सभी हस्बैंड एक जैसे होते हैं, या फिर सभी सास एक जैसी होती हैं, या सभी बहुएँ एक जैसी होती हैं। तो ये नैरेटिव बहुत जल्दी बन जाता है इंसान का और हम एक को लेकर सबको जज करने लग पड़ते हैं। तो अभी जो ये हंगामा चल रहा है स्ट्राइक वाला, तो इसी से रिलेटेड एक मैंने वीडियो बनाई थी। स्ट्राइक से रिलेटेड तो नहीं, मैंने जो ज्वेलरी वाली वीडियो बनाई थी, देखिए उस चीज़ से मानो ना मानो, आप लोग कहीं ना कहीं अगर ही करोगे मेरे साथ कि जो मैंने उसमें बात बोली है वो बिल्कुल फैक्ट वाली बात बोली है। लेकिन जिन लोगों को एक होता है ना कि रटी रटाई लाइन बोलनी होती है, नहीं नहीं आप तो गलत कर रहे हो, वो तो बहुत अच्छी हैं, चलिए ठीक है बहुत अच्छी होंगी अपने घर के लिए होंगी, दूसरों का तो जो हाल कर रखा है वो तो दिख ही रहा है। और दूसरी चीज़, मुझे एक कमेंट आया था, उसमें मैं नेगेटिव कमेंट नहीं कहूँगी लेकिन एक जिसको बोल देते हैं ना कटाक्ष टाइप वर्ड था उसमें, कि आपके ही मच में, यहाँ पे वो डाल भी दूंगी आप पढ़ लेना कमेंट। वो हेटर नहीं था, मैं एक आपको उसमें से जो मुझे लाइन उन्होंने बोली थोड़ी सी मुझे लगा कि एक की वजह से जो होता है ना कि पूरी उस पर बात आ जाती है, पूरे स्टेट पर बात आ जाती है, पूरी कम्युनिटी पर बात आ जाती है। उसमें उन्होंने बोला था कि क्या बात, हिमाचल के जो लोग होते हैं वो हस्बैंड होते हैं जो काम नहीं करते क्या। तो मैं एक बात बोलना चाहूँगी कि हिमाचल के लोग बहुत मेहनती होते हैं, चाहे वो लेडीज़ हो या जेंट्स हो, कोई भी हो। आपको नहीं पता कि हिमाचल की जो पहाड़ों की लाइफ होती है वो बहुत डिफरेंट होती है, बहुत ही स्ट्रगल वाली होती है। कई लोगों, मैं अपनी बात नहीं कर रही हूँ, हम तो फिर भी बहुत अच्छे एरिया में रहते हैं, हमें ऐसा कुछ ये नहीं होता कि पहाड़ चढ़ के हमें पानी लेने जाना होता है या फिर हमें मतलब पहाड़ों पे हमें रहना है। हमारा तो जो एरिया है, घर है, वो समतल एरिया है, लेकिन जो पहाड़ों पर रहते हैं उनकी लाइफ इतनी भी आसान नहीं होती है जितनी हम देख लेते हैं। वो दूर से तो अच्छी अच्छी लगती है कि नहीं मौसम बहुत अच्छा है, बहुत प्यारा है ये, लेकिन ऐसा नहीं होता। हिमाचल के लोगों की लाइफ बहुत मुश्किल होती है। आप ये देख लीजिए कि लैंडस्लाइड, जिनके पहाड़ों पर घर होते हैं, लैंडस्लाइड का खतरा भी रहता है, बारिश का खतरा भी रहता है, बिजली गिरने का भी बहुत खतरा रहता है, और जंगली जानवरों का तो खतरा होता ही है क्योंकि जंगल होते हैं आसपास, तो बहुत खतरा होता है। तो और रही बात किसी के हस्बैंड के ना करने को लेकर सबको टैग कर देना कि नहीं नहीं, लेकिन यहाँ पर मोस्टली हिमाचल में आपको मोस्टली हर किसी के घर में से आपको गवर्नमेंट जॉब में मिलेगा ही मिलेगा कोई ना कोई, और गवर्नमेंट जॉब में भी आपको आर्मी में या फिर पुलिस में आपको मिलेंगे। यहाँ के लोगों में ना एक बहुत ज़्यादा क्रेज़ होता है गवर्नमेंट जॉब में जाने का। मेरी खुद की फैमिली में भी बहुत मेंबर हैं जो गवर्नमेंट जॉब में है, मैं तो नहीं हूँ लेकिन मेरी फैमिली में बहुत मेंबर हैं ऐसे जो मेरे जो दादू हैं वो आर्मी में थे, बट उन्होंने बीच में जॉब छोड़ दी थी, फैमिली की मतलब प्रॉब्लम्स थी कुछ उनको, तो इस वजह से उन्होंने छोड़ दी थी जॉब। बट मेरे एक जो दादू हैं बड़े वाले, वो डॉक्टर हैं, रिटायर्ड डॉक्टर हैं वो। तो यहाँ के लोग बहुत मेहनती होते हैं, आप ये देख लीजिए कि जो यहाँ की लेडीज़ होती हैं वो खेत में इतना काम करती हैं, मतलब वो आदमियों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम करती हैं। तो मैं तो बस यही बोलूँगी कि आप उस यूट्यूबर को देखते क्यों हो, आप और यूट्यूबर भी हैं हिमाचल से, आप उनको देखिए, उनकी लाइफ देखिए, कितना मतलब अच्छा अच्छा मैसेज भी वो लोग देते हैं। तो बस इतना ही बोलना था, बाकी तो चलिए चल ही रहा है सब कुछ बढ़िया। और बस अभी मैं एक वीडियो को एडिट करने वाली थी तो मैंने सोचा कि इस पर भी बात कर लेते एक बार। और ये मैंने शैम्पू किया था बट फिर भी बालों में ऑयल लगा हुआ रह गया, तो बस अभी ये नेक्स्ट शैम्पू से निकल जाएगा। तो बस अभी तो मैं वीडियो को एंड करूँगी और प्लीज़ मेरे चैनल को सपोर्ट करो, प्यार दो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो वीडियो को, लाइक करो, और जो रेड कलर का बटन है सब्सक्राइब वाला उसको दबा दो, कोई पैसा नहीं लगेगा आपका। और साथ में नोटिफिकेशन बेल को भी दबा देना ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे टाइम टू टाइम। और बस प्यार बरसाते रहो, बाय।